नौजवान अपनी नफ्स को बचा पाएंगा, और रियानियत पोर्नोग्राफी। इसी तरह बेशर्मी और बेहाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि बाप खुद बैठा है अपनी छोटी छोटी बेटियों को, जो बालिग है जवान है, उनको बिठाकर पिक्चर दिखाता है, वहाँ हीरो हीरोइन को लेकर भाग रहा है और गले में हाथ डाल रहा है, गोद में उठा के ले जा रहा है, गाड़ी पर बैठ रहे हैं, साथ गाना गा रहे हैं, साथ खा रहे हैं, और कभी निकाह शादीशुदा जो है हीरो हीरोइन होती है लेकिन बदकारियाँ करते हैं, उनके निकाह दो जगह हो जाते हैं, और ये बाप भी बैठ कर देख रहा है, वो बच्चियाँ भी बैठ कर देख रही है, वो भाई भी बैठ कर देख रहा है, वो दादी भी बैठ कर देख रही है, वो नानी, और सब मिलकर जो पिक्चर का मजा लेते हैं। फिर जब बच्ची भाग कर गई, बच्चे ने भगा के लाया, तो कहते इसको क्या हुआ, क्या ये तालीम तो थी जो आपने दी, ये तालीम तो दी उसको, जिस बात को आप लेट कर देखे और बच्चे साथ देखे, इसका मतलब ये कि करो, ये जायज़ है तुम्हारे लिए बेटा, जबी तो हम देख रहे हैं। इंसान जो चीज़ देखता है उस चीज़ के करने में उसके लिए गुरेज नहीं करता, याद रखिए, जो चीज़ दिखाओगे अपनी औलाद को वही फल पाओगे उसका। तो आज हम देखते हैं बेहाई और बेशर्मी हद तक बढ़ चुकी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जहाँ शरीयत का मामला आया, शरीयत के मसाइल का मामला आया, वहाँ वालदेन बड़े शर्माते हैं, बच्चों कैसा सिखाए शरीयत के मामला, तहारत के मसाइल, इसी तरह दीगर तहारत के मसाइल, फलां मसाइल, या अगर खातून हो लड़की हो तो उसको हैज़ और निफास के मसाइल कैसे सिखाए, समझ में नहीं आता। लेकिन वही लोग आराम से बैठ कर गंदे गंदे एड्स टी वी पर देख रहे हैं, गंदे गंदे एड्स, इतने गंदे कि शरीयत ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए बाकी तमाम तहारत के मसाइल के लिए, वैसा एक गंदा अल्फाज उसमें नहीं आता होगा। देख रहे हैं आराम से चीज़ें, अशियाओं के ऐड, गंदी अशियाओं के ऐड, जो जाहिर सी बात है इंसान की एक प्राइवेसी, एक एक अंदरूनी ज़िंदगी का मामला होता है, आराम से बैठकर देख रहे हैं, लेकिन जब तहारत के मसाइल बोलना आया तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सवाल ये, अगर वाकई में तुम में शर्म और हया थी तो तुम वो टीवी कैसा देखते थे साथ बैठकर। तो आज देखते शर्म और बेहाई, बेशर्मी और बेहाई आम हो चुकी है। इसी तरह जराइम,